तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर अपनी बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का। एक एक करके सारी चैप्टर्स की वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कृष्णा टीचिंग पॉइंट पे। पहला है अपना चैप्टर 1 इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस की शुरुआत और बिजनेस आखिर है क्या। इसके अंदर पूरे चैप्टर में हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन होगा हर एक चीज का। पहले हमारी है ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक में, नॉन इकोनॉमिक में। इकोनॉमिक का करेंगे हम बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में, फिर बिजनेस का कर देंगे हम इंडस्ट्रियल और कॉमर्स के अंदर। ये सब एक एक करके देखेंगे, जहां तक है तीन वीडियो करूंगा मैं, इसकी तीन पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा इस चैप्टर को, ठीक है। अभी पहले पार्ट में हम पहले ये देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटी को, नॉन इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक और बिजनेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। पहले बात आई ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी जो भी काम हम परफॉर्म करते हैं वो एक एक्टिविटी है, एक क्रिया है, एक कर्म है जो हम कर रहे हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी जो इंसान कर रहे हैं काम, ठीक है। इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, जिसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज फ्रॉम विच वन कैन अर्न देयर लाइवलीहुड, जिससे कोई बंदा पैसे कमा सकता हो, रुपए कमा सकता हो, अपनी रोजी रोटी कमा सकता हो, या आप कह दो कि अपना घर बार चला ले, पैसे कमा ले। और क्या, पैसे कमाना है मेन बात, इसमें मेन काम है पैसे। यहाँ पे रोल होता है हमेशा मनी का, मनी का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जब तक अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी तभी कही जाएगी जहां पे पैसे का लोन हो, पैसे का लेन देन हो, पैसा बीच में आ रहा हो, मनी का इंटरफेरेंस हो उस एक्टिविटी में, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नहीं तो नहीं होगी अदरवाइज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो परफॉर्म की जाती हैं आउट ऑफ लव, सिंपैथी, अफेक्शन, पैट्रियोटिज्म। मैं देश भावना रखता हूँ, मैं मदद कर रहा हूँ लोगों की, मैं मेरे को सिंपैथी बहुत आती है गरीबों के ऊपर, मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। तो ये सब में मेरा पैसे का रोल कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे मैं पैसे नहीं कमा रहा, मैं लाइवलीहुड अर्न नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाते हैं। अब हम कहेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने क्लासीफाई करा तीन में, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन। बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन, ये तीनों अलग अलग होते हैं, डिफरेंस इनमें काफी हद तक है, बहुत ज्यादा चीजों का डिफरेंस होता है, इसको देखेंगे। लेकिन इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको बिजनेस की डिफाइन बताऊंगा और कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूंगा बिजनेस के, ताकि उससे आपको बिजनेस, जो मेन भाई बुक है हमारी बिजनेस स्टडीज की, सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, तो हमें पहले किसको सिंप्लीफाई करना है अपने दिमाग में, बिजनेस को। तो मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि अगर जब वीडियो देख रहे हो ना, तो एक कोई सी भी बुक जो हो आप पे, संदीप हो, सुभाष डे हो, एनसीईआरटी हो, संग में खोल के बैठना, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि हेडिंग इधर उधर हो, पर बिजनेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, मैं डिफाइन से ही निकाल दूंगा सारे, एक डिफाइन से ही पांच कैरेक्टरिस्टिक्स मैक्सिमम निकल आते हैं। तीन आपको याद करने होते हैं, वो मैं बताऊंगा कौन कौन से हैं जिन्हें याद रखना है। बाकी पेपर में क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के ऊपर, बहुत लिखने को आता है, और केस स्टडी भी आती है कि एक केस गिवन है उसके अंदर से आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस के गिवन है, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल देखते हैं क्या कि जो बिजनेस है उसकी डिफाइन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो चलिए भाई अब देखते हैं हम अपने बिजनेस की डिफाइन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हो सकते हैं, ठीक है। अब बिजनेस की डिफाइन क्या है, बिजनेस में भी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस में भी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इंक्लूड्स प्रोडक्शन और सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग नीड्स एंड विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। ये डिफाइन अगर जिस बुक से आप पढ़ते हो, अगर उस बुक में ना दे रखी हो, तो प्लीज ये नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर ये डिफाइन याद रहेगी ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप अपने आप लिख दोगे, इससे मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। पहली बात आई कि बिजनेस में भी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैंने आपको बताया था कि बिजनेस जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही पार्ट था, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था, ये बात इसने कह दी, जिसमें इंक्लूड होता है प्रोडक्शन और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपसे कहा था इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर पैसा जो है, रुपए जो है, वो हमारा इंटरफेरेंस रहती है उसकी हमेशा। तो जब आप सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसमें किस बेस पे करते हैं, पैसे देंगे तो सामान खरीदेंगे, अगर पैसे आपके पास आ रहे हैं तो सामान देंगे, ठीक है। तो ये है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग नीड एंड विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। यहाँ पे हम सामान खरीदने क्यों जाते हैं, या हम सामान किसी को क्यों सेल आउट करते हैं, हम सामान खरीद रहे हैं तो हमें नीड है, हमें जरूरत है ना। आप सामान खरीद रहे हो किसी के पास जाके, तो आपको जरूरत है, तो आप अपनी नीड सेटिस्फाई कर रहे हो, आपकी जो जरूरत है उन्हें पूरा कर रहे हो आप। तो एक काम ये हो गया कि यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलता है ह्यूमन बीइंग नीड्स को, उनकी जरूरतों को सेटिस्फेक्शन मिलता है, और यहाँ पे जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। अब आप ही, अगर आपका बिजनेस है, आप सामान बेच रहे हो, तो आप सामान तो बेच रहे हो लेकिन उसके साथ साथ अपना लाइवलीहुड भी तो अर्न कर रहे हो, पैसे भी तो कमा रहे हो, प्रॉफिट आपको चाहिए ना, आपको घर बार चलाना है अपना, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें देखनी है। तो प्रॉफिट हमारा मेन मोटिव रहता है बिजनेस के अंदर।
अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे बिजनेस के, मैं डिफाइन से ही बताऊंगा पांच कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसी से निकलते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं ये बताऊंगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, खैर आपको बता चुका है यहाँ पे भी, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी के कई बुकों में रीजन दे रखे हैं दो तीन कि बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहा जाता है। पहली बात वही थी, लाइवलीहुड अर्न होता है यहाँ पे, ठीक है, हम लाइवलीहुड अर्न करते हैं। दूसरा यहाँ पे सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो यहाँ पे पैसे का लेन देन हो रहा है, तो इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। यहाँ पे आ गया पहला वाला निकल के, ठीक है, पहला ही आपका आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये आ गया, ठीक है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, प्रोक्योर का मतलब पहले देख लेना, प्रोक्योर का मतलब होता है किसी चीज को पाना या उसका उसको चाहने की इच्छा रखना, ठीक है, या उसे अरेंज करके कहीं से लाना, कई सारे मीनिंग होते हैं इसके। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब, अगर मेरी फर्म है, अगर मेरा मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रखी है मैंने, तो मैं प्रोडक्शन करूंगा, रॉ मटेरियल लाऊंगा, नहीं है तो कहीं ना कहीं से उठाऊंगा, मतलब कि प्रोड्यूसर्स वगैरह से माल लेके आऊंगा, तब उसे मार्केट में बेचूंगा। तो ये हो गया प्रोक्योर का मतलब, माल को इकट्ठा करूंगा, जैसे अगर मेरी रिटेल शॉप है तो मैं होलसेलर से लेके आऊंगा माल को, फिर बेचूंगा। अब आता है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग नीड, ये समझ लेना, इसमें तो इस कैरेक्टरिस्टिक में आधी डिफाइन दे दी है, यहाँ पूरी दे रखी है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग नीड, मैंने बताया था। और ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस का, अगर ये नहीं होगा तो बिजनेस है ही नहीं, वो एक्टिविटी जो हो रही है वो बिजनेस है ही नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो एक लिंक एस्टेब्लिश करता है एक सेलर और बायर के बीच में। जब तक सेलर और एक्सचेंज नहीं होगी गुड्स की, सेलर और बायर के बीच में, खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो फिर वो बचेगी भी नहीं और बिजनेस तो फिर हो भी नहीं पाएगा, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पे ह्यूमन बींग की जो नीड है वो सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि हमें कोई चीज खरीदनी है तो हम उसे कंज्यूम करेंगे, हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो फिर हमारी वॉन्ट सेटिस्फाई हो गई। डीलिंग इन गुड्स एंड रेगुलर बेसिस, ये एक मेन बात आती है, काफी बार क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो मैं हूं तो मैंने क्या करा, आज न्यूज़पेपर सोल्ड आउट कर दिया अपने घर में, जितने पुराने रखे थे, महीने भर की रद्दी थी मैंने बेच दी, मेरे को 300-400 रुपए मिल गए। तो ये कहते हैं क्वेश्चन में, क्या ये बिजनेस है, तो भाई बिल्कुल बिजनेस नहीं है। बिजनेस का मतलब क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे। मैं आपको बता दूं बिजनेस वर्ड का जो मीनिंग था वो निकल के आया था बिजीनेस से, बिजी पे, मतलब बिजी बोल दो या फिर हम कहते हैं बिजीनेस से निकल के आया था, ठीक है। बिजीनेस का मतलब था कि कोई पर्सन किसी काम में रेगुलरली एंगेज है, बिल्कुल लगातार उसी काम को करता है डे टू डे। तो यहाँ पे हम बिजनेस के अंदर जो गुड्स में हम डील करेंगे वो रेगुलर बेसिस पे होगा, ये नहीं है कि मैंने आज अखबार बेच दिया मेरे को रुपए मिल रहे हैं उससे, मेरा थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया मान लो उसे, तो मैं उसे बिजनेस नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं डेली थोड़ी ना कर रहा हूँ ये काम। बिजनेस किसे कहते हैं, आप दुकानों पे सामान खरीदने जाते हैं, सुबह सुबह जा रहे हैं ब्रेड लेने, तो भाई वो बिजनेस कर रहा है बंदा, वो डेली वही काम कर रहा है, उसका तो यही काम है, सालों से करता आ रहा है, ठीक है। तो गुड्स में जो डीलिंग होगी वो रेगुलर बेसिस पे होगी। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट टू द बिजनेस, ध्यान से सुन लो भाई, वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट टू द बिजनेस, एक ही ट्रांजेक्शन हो तो वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा, वो बिजनेस को नहीं बना पाएगा, समझ रहे हो गए आप सब भी। प्रॉफिट अर्निंग, ये आता है मेन ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव माने गोल, क्या है बिजनेस का मेन गोल। आपके घर में भी अगर बिजनेस हो रहा है तो उसका गोल क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। अगर प्रॉफिट नहीं होगा ना तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, चल ही नहीं पाएगा, एक आध दो दिन बाद या महीने भर बाद बंद करनी पड़ेगी अपनी दुकान। तो हर बिजनेस को एक रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करना पड़ता है मार्केट के अंदर सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन इतना है, तो एक रीजनेबल प्रॉफिट चाहिए हर फर्म को कि वो मार्केट में सर्वाइव कर पाए। अब मैं बताऊं प्रॉफिट जो है काफी जगह है, अगर प्रॉफिट सोर्स ऑफ इनकम है हमारी बिजनेस की, पहला, दूसरा सोर्स ऑफ फंड्स फॉर एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट, तीसरा हमारी मार्केट में रेपुटेशन इसकी वजह से होती है, अगर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी मेरी फर्म की, ठीक है। तो और प्रॉफिट जो है सक्सेस मेजर करता है बिजनेस के अंदर, अगर मेरा प्रॉफिट अच्छा हो रहा है मेरी फर्म के अंदर तो इसका मतलब मेरी फर्म में अच्छा काम चल रहा है, सक्सेस अचीव कर रही है मेरी फर्म, और एफिशिएंट वर्किंग दिखाता है। अगर मेरी फर्म लॉस में जा रही है तो मैं ये समझ सकता हूँ इस बात से कि मेरी फर्म में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे हैं, ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर कुछ सोचूंगा। अगर मेरा प्रॉफिट अच्छे से हो रहा है तो उसका मतलब है एफिशिएंटली वर्किंग हो रही है, एफिशिएंट वर्किंग हो रही है मेरे बिजनेस के अंदर, सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। फिर आता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। देखो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि मेरे को नहीं पता मेरे को फ्यूचर में क्या मिलेगा, मतलब आगे फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस से मेरे को
क्या करना है कि मेरे को नहीं पता, फिलहाल मैं उसके लिए कोई प्रिकॉशन भी नहीं ले सकता, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो मैं कह दूं कि गवर्नमेंट ने टैक्सेशन पॉलिसी चेंज कर दी किसी भी जो जिस गुड्स में, मान लो ए था एक पर्सन, ये डील करता था एक गुड्स में, कोई भी पर्टिकुलर गुड आप अपने मन से ले लीजिए, अगर उसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए तो जो हम लेने जाएंगे जब गुड्स, तो उसकी डिमांड डिक्रीज होगी, हम उसका कोई और सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे जो उससे सस्ता मिल रहा हो हमें, लेकिन हम वो वाला नहीं खरीदेंगे। मगर जो बिजनेसमैन ए था उसके पास तो वही वाला गुड्स है स्टॉक में, तो उसका क्या हो गया, लॉस। तो ये क्या था, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस के अंदर हर जो ओनर होता है वो पैसा इसी बेसिस पे लगाता है कि उसे प्रॉफिट हो, हालांकि 50% वहां पे चांस पूरा पूरा लॉस का भी होता है, 50-50 चांस होता है प्रॉफिट का भी है लॉस का भी है। ये रिस्क में हम आगे जाके पढ़ेंगे क्या है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब ये है कि आगे का नहीं पता क्या हो सकता है। हो सकता है सुनो कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस और टेस्ट चेंज हो जाए, कंज्यूमर को अचानक से होता है ना एक समय सबका जो मन सा बदल जाता है सारे कस्टमर्स का, कि नहीं हमें ये वाला प्रोडक्ट नहीं लेना, ये वाला प्रोडक्ट इसकी जगह कोई और लेंगे, न्यू मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आ गया, कोई नया फैशनेबल प्रोडक्ट उसे उठाएंगे, तो इसके पास जो रखे थे इसका ये क्या करेगा, इसका तो लॉस जा रहा है भाई। हो सकता है अगले दिन प्राइस इसके कम भी हो सकते हैं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद इसके पास इतना सारा स्टॉक है, इसके तो भाई बल्ले बल्ले ही मजे आ जाएंगे, आराम से बेचेगा मार्केट के अंदर, आया पहले माल आया था इसके यहाँ कम का, अब ज्यादा का बेचेगा, प्रॉफिट अर्न होगा। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न के अंदर हम कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हमें क्या मिलने वाला है फ्यूचर में बिजनेस के अंदर। रिस्क रिस्क क्यों है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न की वजह से। रिस्क क्यों है, खतरा क्यों है बिजनेस के अंदर, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न की वजह से, कि मेरे को नहीं पता मेरे को क्या मिलेगा लौट के फ्यूचर में, मुझे नहीं पता मेरे को क्या मिलेगा, तो यही है रिस्क। और कोई भी फर्म, ये याद रखना, कोई भी बिजनेस फर्म बिजनेस को टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकती, पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकती, केवल उसे मिनिमाइज करा जा सकता है कि हाँ रिस्क को वो कम कर सकती है। कैसे, कि कुछ जो ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं उनमें पार्ट न ले, जैसे कि हमें लग रहा है कि ये बंदा हमें पैसे देगा नहीं तो हम उससे नहीं दे रहे माल उधारी पे, और कुछ प्रिकॉशन लेके चले कि फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह वहां पे रखे अपनी फर्म के अंदर जहां पे भी दुकान वगैरह है उसकी, और इंश्योरेंस वगैरह चला के रख, गुड्स का करा के रखे। तो एक कहावत और है अपने यहाँ कि नो रिस्क नो गेन, जब तक रिस्क नहीं है बिजनेस के अंदर तब तक गेन भी नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, चांस ही नहीं है अगर रिस्क नहीं होगा, क्योंकि रिस्क इसकी वजह से होता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न कब होगा, जब आप बिजनेस में होंगे, आपने पैसा लगा रखा होगा, क्योंकि हमें फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस की हमें पता ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए सारे के सारे पूरे, अगर किसी में भी डाउट हो तो भाई कमेंट में बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा, और मेरे को पर्सनली आप मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या फिर आप कॉल भी कर सकते हो, मैं तो भी समझा सकता हूँ। ठीक है, अब ये हो गए, ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी बीएसटी के चैप्टर 1 की। सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे टेबुलेशन में डिफ्रेंशिएशन अलग अलग बेसिस में एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन और बिजनेस का, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिटेल में कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये सेकंड पार्ट में मैं कवर करूंगा, और थर्ड में करूंगा रिस्क, और उसके बाद जो बिजनेस एक्टिविटी को हम क्लासिफाई करते हैं इंडस्ट्री और कॉमर्स के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और भाई प्लीज सपोर्ट करो और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना। ठीक है।